ओके, अभी कल हमने जहाँ तक काम किया था उसके आगे देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि इस तरह से ऐड करना है फॉर्म का, तो दो फॉर्म्स के मैंने आपको करके बताए थे और बाकी फॉर्म्स का डेटा इसमें नहीं किया था। अब इस पर एक शॉर्टकट भी है, फॉर एग्जाम्पल इस पर राइट बटन दबाएंगे, इसके लेआउट पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉन्ट साइज को 16 पे सेट करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बंद कर देते हैं और फॉन्ट अगर जो भी है चलो ठीक है यही फॉन्ट सही है इसको यूज़ कर लेते हैं, सेव करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज टू बी एड न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, लिखने के बाद इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर 32 के फॉन्ट पे या 36 के फॉन्ट पे रख देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद इस पर राइट बटन दबाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे फुटर सेक्शन को थोड़ा सा ऐड करके नीचे लेकर आते हैं। अब जो बटन हमने यहाँ बना रखे हैं डिज़ाइन व्यू में उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम बटन्स सेम फीचर्स के साथ यहाँ पर आपके काम करेंगे, ठीक है। ओके, सेव कर देंगे और अब देखिए आप क्लोज करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, ओपन करते हैं तो यहाँ से देखिए हम डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड कर रहे हैं सांगढ़, सेव न्यू काम कर रहा है और यहाँ से हम ले रहे हैं सपोज टू बी मटियारी, मटियारी सेव न्यू क्लिक करेंगे, शहीद बेनजीर अब्बाद, ठीक है, सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। राइट बटन, पहले लेआउट पे जाइए, क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करें, फॉन्ट साइज को रीसेट करें, 16 पे सेट किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें एड न्यू जेंडर फॉर्म, ठीक है, क्लिक करें, राइट बटन दबाएं, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, उसके बाद लास्ट वाले फॉर्म का एक खोल के ही रख लें पहले, कोई भी बटन्स वगैरह उस पर राइट बटन दबाएं, कॉपी करें, एड न्यू जेंडर पे जाइए, क्लिक करें, पेस्ट करें और उसको उठा के ला के यहाँ पे इस तरीके से सेटअप कर दें, ठीक है। कंट्रोल एस करें और इसको इस वाले फॉर्म को एड न्यू जेंडर को क्लोज करें। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस वाले को ऐड करें, पहले लेआउट में जाइए, सेलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसका फॉन्ट साइज चलिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, लिखिए ऐड न्यू लैंग्वेजेस, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइए नीचे और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसी पर राइट बटन दबाइए, डिज़ाइन व्यू में जाइए, ऐड कीजिए स्पेस, स्पेस ऐड करने के बाद क्लिक कीजिए यहाँ पे, इन बटन्स को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, क्लिक करें यहाँ पर और इसको पेस्ट कर दीजिए, फिर इसकी पोजीशन को यहाँ पे सेट कर दीजिए, ग्रिड्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, फिर राइट बटन दबाइए, लेआउट में ले जाइए इसको, फिर यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड न्यू प्रोविंस, ठीक है, और उसके बाद क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज को 36 पर सेट कीजिए, क्लिक कीजिए इसको, लेआउट को क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद 16 पर सेट कीजिए, क्लिक कीजिए, इसी राइट बटन दबाइए और राइट बटन दबाने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाइए, यहाँ पे स्पेस कलेक्ट कीजिए, स्पेस कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाइए, इन बटन को दोबारा कॉपी कीजिए, प्रोविंस में जाइए, क्लिक करके पेस्ट कीजिए कंट्रोल वी की मदद से और उसको इसी ग्रिड के ऊपर अलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और काम जल्दी जल्दी निमट जाएगा। मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। आप भी कर ले साथ साथ इसको। ओके, ये बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा इसमें सरप्राइज ये है कि अब हम टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और वो फील्ड्स जो रिपीट हो रही थी उनको इसमें से रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे दूसरी फील्ड्स को ऐड करेंगे। इस सूरत में जो डेटा आपने डाला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको बाद में अपडेट कर लेंगे। और इसमें आप ये भी सीख जाएंगे टेबल की फील्ड को कैसे अपडेट करते हैं, फॉर्म पे कैसे उसको दोबारा से अपडेट करते हैं। अब राइट बटन दबाएंगे, जीआर रजिस्टर के ऊपर डिजाइन व्यू में जाएंगे और सबसे पहली वाली फील्ड को अपडेट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है और उसका नाम है जेंडर। क्लिक करेंगे जेंडर पे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से अब आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे एक टेबल में डेटा दूसरे टेबल से लिया जाता है और यही इसकी ब्यूटी है और यही इसकी टेक्निक है जो कि एक्सेल में हम नहीं कर सकते। सबसे पहले आप रिको विजिट करेंगे और यहाँ से आप कहेंगे कि मुझे डेटा किसी दूसरे टेबल में से चाहिए। यहाँ पे आई विल टाइप इन वैल्यू पे क्लिक करके आप चाहें तो डायरेक्टली डेटा भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं कराना, हमें टेबल से लेना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पर
और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से लाके इसको जेंडर पे क्लिक करेंगे, और जेंडर पे क्लिक सॉरी हाँ जेंडर पे क्लिक करेंगे, ये जेंडर का टेबल है जो हमने बना रखा है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से जेंडर वाले सेक्शन को ऐड कराएंगे, यानी कि जेंडर की फील्ड को ऐड कराना, आईडी को ऐड नहीं कराना। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे यस करेंगे यस करेंगे यस करेंगे, उस फील्ड में से डेटा तो खत्म हो जाएगा जो पहले हमने डाल रखा था, लेकिन अब ये फील्ड कनेक्ट हो जाएगी जेंडर के टेबल से। सिमिलरली इन विच स्कूल एडमिटेड को भी क्लिक करेंगे, और यहाँ से इन विच स्कूल एडमिटेड की फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके दोबारा इसको लुकअप विजिट करेंगे, लुकअप प्राइवेट लुकअप टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इन विच क्लास वाला ऑप्शन जो है हम यहाँ से ले लेंगे। तो हमने टेबल बना रखा है टीबीएल क्लास के नाम से। नेक्स्ट करेंगे, ये वाली ऐड करेंगे फील्ड, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश करके यस यस और यस करते हैं। मेक श्योर जब आप ये काम कर रहे हो तो दूसरे टेबल और फॉर्म्स क्लोज होने चाहिए, सिर्फ जिस टेबल पे काम हो रहा है वही खुला होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टेबल है आपका लास्ट क्लास अटेंडेड, इसी वाले टेबल से दोबारा कनेक्ट कर देंगे। इससे एक और फायदा हो रहा है, एक ही टेबल कई जगह पे कनेक्ट हो सकता है अगर उसमें डेटा सेम आ रहा है डेटा को यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश कर देंगे। तो क्लास वाले टेबल को दो जगह पे हमने यूज कर लिया, यस कर दिया। लास्ट अटेंडेड स्कूल वाले टेबल पे क्लिक किया, यहाँ से लुकअप विजिट किया, यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ईबीएल स्कूल के नाम से नेक्स्ट किया, और इसका स्कूल नेम फील्ड को लिया, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश करेंगे, और यहाँ से यस कर देंगे यस कर देंगे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएंगे, मदर टंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लुकअप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, टीबीएल लैंग्वेजेस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश करेंगे, यस करेंगे, यस के अंदर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे नजर आएगा। एड्रेस सिटी से अलग रहेगा, सिटी वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लुकअप विजिट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और टीबीएल सिटी वाले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टीबीएल सिटी नेम है तो सही, टीबीएल सिटी नेम वाले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट 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 करके फिनिश करेंगे, यस करेंगे, यस करके इसको ओके कर देंगे, सेव कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, लुकअप विजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, TBL district पे क्लिक करेंगे, यहाँ से district name वाली field को add करेंगे, next, 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 finish, yes कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, yes करेंगे, और यहाँ पे जाके इसको province वाले पे क्लिक करेंगे, TBL lookup wizard पे क्लिक करेंगे, यहाँ से next करेंगे, province वाले को add करेंगे, TBL province के नाम से जो भी है क्लिक करेंगे, यहाँ पे next करेंगे, next, 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 finish, और yes करेंगे, इसको क्लिक करके yes करेंगे, yes करेंगे, सेव कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको यहाँ से। अब ये सारा डेटा कनेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू सिटी खोलना है, इसमें हम सिटी ऑलरेडी ऐड करा चुके हैं, तो कितने सिटीज ऐड कराए हमने, इसमें 7 सिटीज ऐड करा दिए, क्लोज करेंगे। ऐड न्यू क्लास में भी हम काम कर चुके हैं, तकरीबन क्लास में हमने कितनी क्लासेज ऐड कराई है, तकरीबन बता नहीं रहा, ये 4, 5, 6, 7 तक ऐड कराए, 6, 7, 8, 9 ओके क्लासेज भी ऐड करा चुके थे। डिस्ट्रिक्ट में भी हमने डिस्ट्रिक्ट ऐड करा दिया है, जेंडर में अब हम ऐड कराएंगे मेल, 7 new female, सेव एंड न्यू अदर्स, सेव एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू लैंग्वेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैंग्वेजेस ऐड कराएंगे, इंग्लिश सेव न्यू, उर्दू सेव न्यू, सिंधी सेव न्यू, पंजाबी सेव न्यू, बलोची सेव न्यू, सराइकी सेव न्यू, और भांगड़ी मारवाड़ी सेव एंड क्लोज, ठीक है। और फ्यूचर में भी ऐड कराते रहिए। प्रोविंस पे क्लिक करेंगे, सिंध सेव न्यू, पंजाब सेव न्यू, सरहद सेव न्यू, बलोचिस्तान सेव न्यू एंड क्लोज, ठीक है। ऐड न्यू स्कूल पे क्लिक करेंगे, जो जो स्कूल्स के नाम है वो भी आप ऐड करा देंगे। फॉर एग्जांपल स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई बॉयज हाई स्कूल शहदादपुर, सेव न्यू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शहदादपुर, सेव न्यू द सिटी ग्रामर, मतलब जिस जिस बच्चे का आता जाएगा फर्स्ट टाइम में ऐड कराएंगे, फिर ऑल टाइम में वो हमें वहीं मिलेगा, ग्रामर हाई स्कूल शहदादपुर, ठीक है।
और सेव, और भी स्कूल्स के नाम हम इसमें ऐड करा देंगे। एडमिशन फॉर्म अभी है हमारे पास। अब एडमिशन फॉर्म में फील्ड्स अपडेट नहीं हुई है, क्या करेंगे, एडमिशन फॉर्म को गौर से देखें, खोलेंगे किसमें, डिजाइन व्यू में। टेबल तो हमारा अपडेट हो चुका है, एडमिशन फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ से प्रॉपर्टी शीट नहीं बल्कि एड एग्जिस्टिंग फील्ड खोलेंगे। सबसे पहली फील्ड एड करेंगे हम यहाँ पे जेंडर वाली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जेंडर पे, बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ से जेंडर को उसकी सॉरी फील्ड करेंगे क्लिक, बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी। डिजाइन व्यू में खोला, किसमें खोला, लेआउट में खोले, सॉरी इसको लेआउट में खोले और यहाँ से जाइए जेंडर पे क्लिक कीजिए, बैक स्पेस डिलीट हो गई, जेंडर पकड़ के इधर ऐड करा दीजिए, ठीक है, अपडेट हो जाएगी फील्ड। इन विच क्लास एडमिटेड, बैक स्पेस डिलीट हो जाएगी, यहाँ से इसमें ऐड करा दीजिए, ठीक है। इसके बाद इस साइड पर आ जाइए और ऊपर चले जाइए, कौन सी फील्ड है ये, इस फील्ड को देख लें, इसको बंद कर देते थोड़ी देर के लिए। लास्ट इस क्लास क्लास बैक स्पेस इन विच क्लास के बाद लास्ट क्लास पास वाली फील्ड यहाँ पे ऐड करा देंगे। लास्ट स्कूल अटेंडेंट, बैक स्पेस लास्ट स्कूल अटेंडेंट वाली दोबारा अपडेट करा देंगे। मदर टंग, बैक स्पेस मदर टंग को वंस अगेन ऐड करा देंगे। सिटी, बैक स्पेस नीचे आइए, सिटी के फील्ड को यहाँ पर आप इजीली ऐड करा देंगे। इसको नीचे ले आइए, गलत ऐड हो गई, कंट्रोल जेड दबाइए, ठीक है, सिटी को दोबारा से ऐड करा देंगे। डिस्ट्रिक्ट, बैक स्पेस डिस्ट्रिक्ट की फील्ड को दोबारा से ऐड करा देंगे। प्रोविंस, बैक स्पेस प्रोविंस की फील्ड को दोबारा से ऐड करा देंगे। और इस तरीके से आप अपने टेबल्स के अंदर जो फील्ड्स का रद्दो बदल इजीली कर सकते हैं। टेबल को सेव करेंगे, देन क्लोज करेंगे, यहाँ से आएंगे। अब आप एडमिशन फॉर्म का टेबल खोलेंगे तो आप अपने डेटा को इजीली अपडेट भी कर सकेंगे और नया डेटा भी डाल सकेंगे। अब आपको बार बार इधर डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आपका जो डेटा है वो सिक्योर भी रहेगा और उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं आएगी। सेव, नेक्स्ट, सेव, क्लोज और देखिए आपके टेबल के अंदर डेटा बिल्कुल सही तरह जा रहा है और इसमें अब किसी किस्म की मिस स्पेलिंग या चेंज स्पेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और आपका सॉफ्टवेयर भी एक्सपेंड कर रहा है, जब भी कोई नई लैंग्वेज का पता चलेगा आप यहाँ ऐड करेंगे और आपके सॉफ्टवेयर में वो फीचर ऐड हो जाएगा। नया स्कूल का नाम यहाँ ऐड करेंगे, सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। नया प्रोविंस, नया डिस्ट्रिक्ट, नई क्लास, सब चीज़ें